शांति आज फर्स्ट फरवरी 2023 है पिछले मास हम सभी ने तपस्या की और कई सारे अपने आप से वायदे किए कई सारे बाबा से वायदे किए पूरा महीना उन वायदों को फॉलो भी किया लेकिन बाबा हमेशा कहते हैं कि अगर हमें पुरुषार्थ में तीव्र रहना है तो अपने वायदों पर दृढ़ रहना है तो इस मास बाबा हमें अपनी की हुई तपस्या पर दृढ़ रखने के लिए हमें बहुत सारे इशारे दे रहे हैं तो आज आइए जानते हैं बाबा के पहली तारीख के अव्यक्त इशारे अभी समय बहुत थोड़ा है और काम बहुत करना है इसलिए अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि आज से यह पुराने संस्कार यह व्यर्थ संकल्प कभी भी उत्पन्न नहीं होने देंगे जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तब प्रत्यक्ष फल मिलेगा परमात्मा प्रत्यक्षता होगी आज बाबा ने मुरली में मम्मा की बहुत महिमा करी और हमेशा बाबा यही कहते हैं कि मम्मा नंबर वन इसीलिए गई क्योंकि मम्मा का हर संकल्प बहुत दृढ़ था मम्मा ने जो एक बार बाबा के मुख से सुन लिया ज्ञान रतन, वो तुरंत धारण हो जाता था और उसके साथ साथ जीवन भर वो कायम रहता था इसका अर्थ है मम्मा की दृढ़ता की शक्ति अपरम अपार थी और यही एक शक्ति हमारी महिमा को भी हमारे गौरव को भी हमारे पुरुषार्थ को भी और हमारी प्रारब्ध को भी श्रेष्ठ बना देती है जैसे हम कहते हैं कि अगर हमें कोई भी कार्य तीव्रता से करना है समय थोड़ा है तो शक्ति ज्यादा देनी है तो ज़्यादा शक्ति का अर्थ आज बाबा ने बताया कि दृढ़ता से अपनी सारी शक्तियों को अपने पुरुषार्थ पर एकाग्र करें उसको केंद्रित करें जैसे भट्टी में जब सोना तपता है तो एक बार भट्टी में चला गया अगर बीच बीच में वो भट्टी से निकल आए और फिर चला जाए तो लंबा समय भी ऐसा करते रहे तो भी वो पवित्र नहीं बन सकता तो भी उसकी अलॉय नहीं निकलेगी इसलिए बात यहाँ पे समय की नहीं है बात यहाँ पे है कि उतने ही समय में हमने कितनी तीव्रता से पुरुषार्थ किया कितना दृढ़ता से हम उस भट्टी में बने रहे कई बार बच्चे बोलते हैं हम तो लेट आए लेकिन लेट आने के बावजूद भी बाबा ने हमें आज ये मार्ग बताया है दृढ़ता का अगर हम दृढ़ता से अपने पुरुषार्थ में लगे हुए हैं तो कम समय में भी हम बहुत प्रत्यक्षता प्राप्त कर सकते हैं और करा सकते हैं तो आज प्रत्यक्ष फल पाने के लिए और परमात्मा प्रत्यक्षता करने के लिए बाबा ने हमें दृढ़ता की शक्ति दी है ओम शांति